नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर झरू रजवार सर जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में ट्रैक मेंटेनर वन, जिसको कि आप लोग मेट भी बोलते हैं, उसके पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं झरू रजवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि अपना डिटेल एक्सपीरियंस शेयर कर सके क्या आखिर रेलवे में कैसे काम होता है, क्या काम होता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि भारतीय रेलवे आपने कब ज्वाइनिंग किया? 1881 डेट भी याद है आज तक। तो ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक का आपका रेलवे के साथ जो अनुभव रहा, ये जो सफ़र रहा, ये कैसा रहा सर? ठीक है। तो जब ज्वाइन किए तो उसमें कौन से पद पर ज्वाइन किए थे? ट्रैक मेंटेनर कौन? 1, 2, 3, 4 फोर। तो पहला जो आपका प्रमोशन लगा वो कब लगा? 10-15 साल के बाद। तो कैसे अपने आप सीनियरिटी बेसिस पे लग गया? हाँ। तो ट्रैक मेंटेनर 4 से ट्रैक मेंटेनर 3 हो गए। तो ट्रैक मेंटेनर 3 जब हुए तो काम बदला कि काम वही रहा? नहीं, हम लोग ये रहता है कीमैन का ड्यूटी रहता है। कीमैन का। और ट्रैक मेंटेनर 4 थे तो क्या काम था? 4 थे ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक को मेंटेन करते थे। और ट्रैक मेंटेनर जब 3 हुए तो कीमैन हो गए। तो कीमैन का काम क्या होता है? कीमैन का लाइन का देख रेख। फिर उसके बाद ट्रैक मेंटेनर 3 से ट्रैक मेंटेनर 2 पे आपका प्रमोशन कब हुआ? 2 नहीं होता, उसके बाद डैट ई हो जाता है, ट्रैक मेंटेनर 1 हो जाता है। तो वो कब आपका लगा प्रमोशन? ये हो गया आपका 8-9 साल करीब हो गया। 8-9 साल के बाद फिर आपका 2008-09 में हुआ शायद। 2008-09 में, तब से अभी तक आप ट्रैक मेंटेनर 1 ही है। तो आपके काम में कुछ फ़र्क आया ट्रैक मेंटेनर 3 से जब ट्रैक मेंटेनर 1 हुए तो? नहीं, तो इसके बाद तो इंचार्ज बन गए। इंचार्ज में देख रेख का काम कराना, मैनेज करना, आदमी को कहाँ बुकिंग करेंगे, ये सब मैनेज करना पड़ता है कि किसको कहाँ बुकअप करें। हम ड्यूटी में नाइट में जाना है, दिन में पेट्रोलिंग करना है, रात को करना है, लाइन में काम कराना है, ये सब सारी काम। यूँ भर हमारा छुट्टी, कौन छुट्टी जाएगा, कौन रेस्ट जाएगा, ये सब को देना है। अच्छा, पूरा जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होता है? हमारे पर होता है। अच्छा, आपका रिटायरमेंट कब है? हमारा आपका हो गया 19 फरवरी 2029। मतलब 2 महीने का नौकरी बचा? और 2 महीने का। अच्छा, तो नया लड़का लोग आपके अंदर में कुछ ज्वाइन किया? हाँ किया। कैसा काम कर रहा है नया लड़का लोग? कर रहा ठीक है, मोटा मोटी कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा है हम लोग जिससे जितना किए थे। उतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा है, कॉलेज का लड़का है, ये तो हमेशा बाबू जी के साथ रहा, खाया पिया, मौज मस्ती किया। अच्छा, तो कहाँ से ये लोग कर पाएगा? एक बैग लैंड मिनटर काम कीजिएगा, लेबर का काम आप कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। अरे हम लोग तुम्हारे किसान घर का लड़का था, हम लोग खेती बाड़ी भी किए हैं, पढ़े भी लिखे हैं, सब कुछ किए हैं, तो हम लोग सकेगा? अभी हो सकेगा नहीं, अभी हो नहीं सकेगा लड़का लोग करने। चार लड़का एक तरफ, हम अकेले एक तरफ हो जाएंगे, पछाड़ देंगे लोग काम में। अच्छा, तो आप लोग का जब उस समय 81 में बहाली हुआ था, तो कैसे बहाली हुआ था? परीक्षा दे करके कैसे नौकरी लग गया था? फजार की जगह पर हुए थे, पापा की जगह पर। अच्छा, तो जब ज्वाइन किया तो उसमें आपका तनख्वाह कितना था? 409 रुपया स्टार्टिंग। और अभी कितना है? अभी हो गया आपका मान लीजिए 55 के करीब लगभग। ग्रॉस पेमेंट और नेट पेमेंट? ग्रॉस पेमेंट हो गया आपका ये 40,000। हाँ, 40,000 बेसिक। 40,000 और ग्रॉस पेमेंट कितना होता है टोटल पैसा? कट छाट के कितना मिलता है? 55-56। अच्छा, तो आप ये बताइए जो नया लड़का लोग जो ज्वाइनिंग करने अभी, और 40,000 बच्चा लोग अभी ज्वाइन करेगा इंडियन रेलवे में, वो लड़का लोग को आप क्या सलाह देंगे, वो कैसे रेलवे में काम करे कि वो अच्छा से काम करे, जिससे कि हमारा रेल भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे? अभी फिर से आपका 2020 में 40,000 और ट्रैक मेंटेनर का बहाली होने वाला भारतीय रेलवे में, तो 40,000 लड़का लोग जो अभी तैयारी कर रहा है उसको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी जो नौकरी मिले छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़ा लिखा इतना आइए, नीचा काम है, छोटा काम है। काम कोई छोटा नहीं होता, काम सब बड़े होता है। अच्छा, हाँ, कोशिश रखिए कि हम आगे बढ़ें, पढ़े लिखे एग्जाम दे, आगे बढ़े, तरक्की करें। छोड़ के भागिएगा तो ये तो गलत बात है। कोई एक लड़का ट्रैक मेंटेनर के पद पर ज्वाइन करता है तो वो मैक्सिमम तरक्की करके कहाँ तक जा सकता है आगे बढ़ के? देखिए, PWI तक जा सकता है, उसको ENDN भी जा सकता है। अगर ले जाए तो मुझे एक चाय वाला होकर जो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम क्या हो सकते हैं? कोशिश में अगर हो रहेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। हमारा अंडर में जो लड़का ट्रैक मेंटेनर में ज्वाइन किया वो अभी दारोगा बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, हमने अंडर काम करके एग्जाम दिया, निकल गया, हो गया, ड्राइवर बना, स्टेशन मास्टर बना। तो एक ट्रैक मेंटेनर के पद पर भारतीय रेल की तरफ से क्या क्या सुविधाएँ मिलती है ट्रैक मेंटेनरों को? पास पीटू मिलती है, छुट्टी मिलता है, छुट्टी और
और क्या, सारी चीज़ सभी चीज़ मिलती है। रेलवे क्वार्टर, क्वार्टर भी है आपको? रेलवे क्वार्टर मिला है? नहीं, क्वार्टर जिसको नहीं मिलता उसको भाड़ा मिलता है। भाड़ा मिलता है, एचआर मिलता है। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ? मेडिकल, मेडिकल तो यही है, सारा सुविधा मिलता है। ठीक है, और कोई अंतिम सलाह और कुछ देना चाहेंगे और कोई फाइनल मैसेज? हम यही देना चाहते हैं कि लड़का लोग ज्वाइन करे, ठीक है, ठीक से काम करे, अपने सेफ्टी से काम करे और हमेशा कोशिश रखे कि हम आगे बढ़ें। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। आगे बढ़े तो तरक्की करे। ठीक है सर, थैंक यू। देख के भागना नहीं चाहिए कोई भी काम को, काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसको इंटरव्यू को एंड करें सर, और कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।